हेलो इंडिया, होप यू गाइस आर हेल्दी एंड डूइंग गुड। सो आज की वीडियो है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जो जो इस साल नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। सो मैं आप लोगों के लिए नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके लाया हूँ, जिससे कि आप लोगों का फालतू का टाइम फॉर्म्स में और इन सारी चीज़ों में वेस्ट ना हो और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नीट के एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन में के लिए लगा सको। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। So, सबसे पहले आप लोगों को जाननी चाहिए वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि आप नीट एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। पहली चीज, आपके पास पीसीबी और इंग्लिश होनी चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज आपके पास पीसीबी और इंग्लिश होनी चाहिए। सेकेंड चीज जो ध्यान रखनी है वो है आप जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी पीसीबी का ओवरऑल स्कोर 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान से सुनना, पीसीबी का ओवरऑल स्कोर 50% से ज़्यादा होना चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही परसेंटेज 40% है। उनका ओवरऑल पीसीबी का ओवरऑल स्कोर 40% से ज़्यादा होना चाहिए। सो ये चीज़ क्लियर। अब सेकेंड चीज़ पर मूव करते हैं, वो है हमारी मिनिमम एज लिमिट। NTA के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अपर लिमिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मिनिमम एज के बारे में है। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका बर्थ 31 दिसंबर 2006 के बाद हुआ है, वो अपीयर नहीं हो सकते एग्ज़ाम में, वो नीट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। नीट एग्ज़ाम देने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2006 से 2006 को या फिर 2006 से कम होनी चाहिए। सो सिंपल, कोई इशू नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सिलेबस का। इस टाइम पे सिलेबस के बारे में बच्चों काफ़ी हवा बना हुआ है कि क्या हुआ, सिलेबस कम तो नहीं होगा या कैसे, कुछ चेंज तो नहीं है। सो डोंट वरी, इस बात को, इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। सिलेबस के बारे में, सिलेबस प्रीवियस ईयर्स जैसा ही है बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई सिलेबस घटाया नहीं गया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में साफ लिखा है सिलेबस के लिए। हाँ, बस एक बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको फ्रॉग और वर्म का टॉपिक हटा देना है, दैट्स इट, यही चेंज है। और आप लोगों को इस चीज़ के अलावा सिलेबस के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, अपने वही सूटेबल जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वही डॉक्यूमेंट्स लेके रखें अपने पास। कोई डॉक्यूमेंट्स अपना फॉर्म भरने में दो दो ढाई ढाई घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बचाओ। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक ऐसी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, अच्छे से आपका फेस क्लियर हो, कोई चश्मे, कोई मास्क ये सब नहीं होना चाहिए फ़ोटो में, तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और एक और चीज़ कि यहाँ पे इस फ़ोटो के नीचे आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए, और वो भी कोई भी रीसेंट की डेट चलेगी, नो इशू, कोई भी अप्रैल की स्टार्टिंग की या फिर पूरे मार्च में की कोई भी आसपास की डेट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। सेकेंड चीज़, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, सेम फ़ोटो, सेम डेट, सेम बैकग्राउंड, बस फ़ोटो का साइज़ बढ़ जाएगा। और दोनों फ़ोटोज़ के साइज़ कंपैरिजन मैं वीडियो के बीच में डाल दूंगा, सो उसे देख लेना, डोंट वरी। और सेकंड डॉक्यूमेंट आपका सिग्नेचर, एक वाइट पेपर पे अपना एक सिग्नेचर करना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है और अपलोड करनी है, दैट्स इट। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो का जो साइज़ है वो वेरी करता है, अराउंड 50 to 200, 50 to 300। सो वो हर एक डॉक्यूमेंट के साथ, जहाँ आप जब आप फॉर्म भरोगे तो वहीं पे सामने आपका लिखा हुआ होगा कि आपके फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए। साइज़ से इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, पर जिसकी भी अगर साइज़ की दिक्कत आए, किसी को अपनी फ़ोटो का साइज़ कम करना हो, तो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप लोग कर सकते हैं। और सारी जो फ़ोटोज़ हैं उनका फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। सेकेंड चीज़, फिंगर एंड थंब प्रिंट। तो आप लोगों को पेन अगर ये इंक लगा के ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक अपना
इंक पैड आता है उससे करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे आपके थंबप्रिंट और फिंगरप्रिंट आपके अच्छे भी आएंगे, क्लियर भी आएंगे और रिजेक्ट होने के कम चांसेस हैं। तो और अपने सीधे थंब पैड उस पर इंक पैड पे अपने फिंगर्स लगाने के बाद एक रफ पेज पे हल्का सा पोंछ लें, ताकि वहाँ पे ज़्यादा इंक ना लगे और आपका वो प्रिंट स्पॉइल ना हो। आपको अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की पांच उंगलियां सबके प्रिंट चाहिए होंगे और सिंगल पेज पे। नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेस प्रूफ। आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा लो इसमें कोई इशू आता नहीं है स्टूडेंट्स को। अब अगला पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी क्वेरीज रहते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो इस बार जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी रिजर्व्ड कास्ट के बच्चे हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर उससे आपका पुराना है तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, वरना आपका कास्ट सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा, आप रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं आओगे। और अगर किसी का ऐसा है कि आपका पुराना है या फिर आपके पास नहीं है और आपके पास पेपर्स मतलब फॉर्म भरने से पहले बनवाने का उतना टाइम भी नहीं बचा है आपके पास, सो डोंट वरी, इसका भी सलूशन है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें अलग अलग पेजेस पे सभी बच्चों के लिए, सारी SC, ST, OBC सब के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। आपको कुछ नहीं करना, पेज नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, पेज नंबर आप ज़्यादा ढूंढना मत, तो सीधा उसी पेज नंबर पे जाओ, उस फॉर्म का उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट निकालो और उस प्रिंट को आपको उस फॉर्म को फिल करना है और बस उसकी फ़ोटो अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जगह अपलोड कर देना, दैट्स इट। और लेकिन जब भी आप लोग नीट एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग के लिए जाओगे, जो जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनको तब अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना मैंडेटरी है, ओके। और मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से उसे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है PWBD। सो जो भी स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं, ये सर्टिफिकेट सिर्फ उनको चाहिए और किसी को उनकी इसकी ज़रूरत नहीं है और कोई स्पेशल जानकारी नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका सिटीजन सर्टिफिकेट। ये सिर्फ NRI स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी इंडिया में रहने वाले स्टूडेंट्स को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट है आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वो ज़रूर डालना जो भी आपका चल रहा हो, जिस पे जो ईमेल आईडी आप आपके फ़ोन में जीमेल में लॉगिन हो और जो फ़ोन नंबर जिस पे मैसेज आते जाते रहते हो, ऐसा कोई डेड फ़ोन नंबर मत डाल देना वरना दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को। और लास्ट में आपका एग्ज़ाम पैटर्न। जो एग्ज़ाम पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न है आप लोगों का, वो कुछ इस तरीके से है, पिछले साल की तरह है, कोई उसमें ऐसा चेंज नहीं है। सभी के आपके 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और सभी में 2 सेक्शंस बटे हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो उसी तरीके सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 35 के 35 क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी हैं। अगर आप उनमें से कोई एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट ज़रूर होंगे। बट सेक्शन बी जो है आपका, उसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करने हैं। आपको 15 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 10 आते हैं आप वो कर सकते हो और बाकी के 5 आपको छोड़ने हैं। सेक्शन ए में से 35 क्वेश्चन है, 35 के 35 करने ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, बिल्कुल भूलना मत उन्हें। अगर आप उनमें से 35 क्वेश्चन में से आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे। और जो सेक्शन बी है उसमें 15 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन, 10 कोई भी चॉइस के क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। केमिस्ट्री में भी इस तरीके से, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी। तो टोटल मार्क्स आपके 720 हैं, दैट्स इट। और हाँ, अपने जो फ़ोन नंबर्स हैं वो ज़रूर अपने सही डालना, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि उसमें आपके करेक्शन के मैसेजेस आते रहते हैं, तो इसलिए आपका एक्टिव फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ज़रूरी है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। विशिंग ऑल ऑफ यू द बेस्ट ऑफ लक, सबसे अच्छा परफॉर्म करना, अपनी जी तोड़ के तैयारी करो। अभिषेक अवाना साइनिंग ऑफ।